हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज रिदांश का हेयर कट है तो हम वहीं इसको सलून लेके जा रहे हैं। बस गाइस, हम सलून में आ गए हैं रिदांश को लेके। अब रिदांश का पहले हेयर कट होगा, फिर उसके पापा होगा, और लेट्स सी सिचुएशन क्या रहती है। मास्क लगाओ इनको, नहीं खड़े खड़े नहीं करवा लेगा। पापा खड़े तो हैं, मम्मा भी यहीं पे, सब लोग यहीं हैं ना। पापा भी कराएंगे, सोना भी कराएगा, पहले सोना करेगा। तो गाइज़, आप यहाँ देखो, इसका हेयर कट चालू हो गया है और मतलब स्टार्ट होने जा रहा है। ये इसको पहले अकेले ड्राई किया गया था, आपने देखा ही, तो ये ड्राई ये हुआ कि नहीं, बैठ के अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। तो बस खुश हो रहा था, मतलब ऐसे कर रहा था। पानी जब भैया उसको स्प्रे कर रहे थे ना, तो स्प्रे करते टाइम देख रहा था, अरे क्या कर रहे हैं, बोल रहा था। तो यार शांति से रिदांश ने हेयर कट करा लिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये रिदांश का फर्स्ट हेयर कट है। रिदांश ने इससे पहले मुंडन हो चुका है रिदांश का 2 बारी, लेकिन हमने कट नहीं कराया था। लेकिन अभी हम कुछ दिनों बाद में कभी फंक्शन अटेंड करना, उसके बाद हम रिदांश का मुंडन वापस से करा देंगे, ऐसा घर में डिसाइड हुआ है। तो हम देखो कैसे चिपक के अपने पापा के साथ हेयर कट करवा रहा था। तो इसको हमने बहुत समझाया था कि अरे अभी आपको आइसक्रीम देंगे, लॉलीपॉप देंगे, उससे पहले जब ये नहीं करवा रहा था तब। और हमें क्या मालूम कि इसने अच्छे से करवा लेगा शांति से। फ़ैन, एक्चुअली सबसे बड़ी बात ना, फ़ैन ऊपर लगा था और फ़ैन ही देख देख के इसको इसने हेयर कट करवा लिया। और फिर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने इसको आइसक्रीम भी दी थी उसके बाद। तो आइसक्रीम मिली इनको, लॉलीपॉप मिली, और बहुत खुश भी हो रहा था। ये हेयर कट करा के कह रहा था, मम्मा बहुत स्मार्ट लग रहा है रिदांश। और बस मैं भी इधर उधर देख रही थी कि क्या हो रहा है, शूट कर रही थी, और वहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव थे, सब देख रहे थे इसको। और ये इतनी बातें कर रहा था ना उस टाइम, तो बस मज़ा तो आता है यार बच्चों का। मैंने भी फर्स्ट हेयर कट मतलब इस तरह देखा है किसी बच्चे का, वैसे नहीं देखा है। तो यार देखो, बस मस्ती से इन्होंने करवा लिया और उनको मज़ा तो बहुत आया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। और मुझे नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतने अच्छे से हेयर कट कर। तो भैया उसको बोलते नीचे देखो, अपने वो काउंट करो हेयर कितने हैं, तो उसको नीचे दिखा के, क्योंकि बस डर तो लगता ही है कि कहीं लग ना जाए, कैंची का कट, कैंची से कट वगैरह ना लग जाए। तो भैया उसको बार बार दिखा, तो धीरेज फाइनली पकड़ के उसको बोल रहे थे नीचे देखो, काउंट करो कितने सारे हेयर हैं। तो भैया ने कुछ इस तरीके से कट किया, वो भी बहुत पेशेंटली उन्होंने काम करा। अंकल ही क्या कर ले, ये भैया और थोड़ा गर्दन पे कर दो। तो आप बस देखो, एज़ पर कमिटमेंट इनको हमने आइसक्रीम दी थी, जो इनफैक्ट जो सलून के जो ओनर थे वो खुद ही इसके लिए लेके आए थे। पहले से तो इसने खुद से खाने की कोशिश करी, फिर ये थोड़ा हार्ड था तो नहीं खा पा रहा, तो मुझे बोला कि चलो मैं खिलाता, मैं मेरे को खिला दो आप। तो फिर मैं इसको खिलाती, और अच्छा हो मैंने खिलाने तो इधर उधर लगाता। बुआ के घर में चलो, तो मैं ना इसको ऊपर ले जाने वाली हूँ बुआ के घर में, क्योंकि बुआ के सोसाइटी में नीचे ही हम लोग टावर के। तो पहले तो मेरे से बोल दिया चलेगा, अब नहीं जा रहा है शॉप देख के। क्या बुआ आ रही है, चलो अभी बुआ नहीं आई है। क्यों, आप तो मेरे से बोले थे ऊपर, पहले ऊपर जाएगा। बस ये बुआ के नीचे पार्क है, तो वहाँ पे आ गए थे, बुआ को लेके बोला मुझे स्लाइड करा दो, तो बुआ करा रही थी इसको। बस अब वापस जाने का टाइम हो गया, हम आ गए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हमें 1.5 घंटा हो गया था यहाँ पे। तो हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। बस गाइस, हम
घर वापस आ गए थे, फिर उसके बाद वही डिनर वगैरह किया और दानिश भी बड़ा हैप्पी है, कह रहा है मैं मतलब बहुत एक्साइटेड है वो अपने न्यू हेयर कट को लेके, क्योंकि वो मिरर में जा रहा है ना तो उसको भी पता है कि कुछ तो चेंज है, तो कह रहा है न्यू हेयर कट स्मार्ट लग रहा है, मैंने उसको बताया था तो खुद ही कह रहा था। तो आपने देखा ये ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, और अगर आपके बेबी या आपके घर में किसी के बेबी हैं तो उन्होंने कैसे हेयर कट करवाया था, बिकॉज मुझे तो मेरा फर्स्ट मुंडन नहीं याद है, तो मैं इतना ज़्यादा याद क्या मुझे जो बताते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था। वैसे रिदांश के पहले दो मुंडन हुए थे, उसने दोनों मुंडन में ही बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, बट आज उसने बहुत ईजिली कटवा लिया था जो कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यार मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और ये ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। तो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ रेणुका रेयर ब्लॉग्स। बाय।